बहुत समय पहले की बात है, सरूपगढ़ गांव में भाई बहन अनूप और सुप्रिया रहते थे। वो दोनों बचपन से ही अनाथ थे। सुप्रिया जब छोटी थी तभी उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। तब से ही दोनों भाई बहन अपनी सौतेली माँ के साथ रहते थे। सौतेली माँ दोनों भाई बहन पर बहुत अत्याचार करती थी, इसलिए दोनों भाई बहन अपनी नानी के साथ रहने लग गए थे। अब उनके घर में बूढ़ी नानी और दोनों भाई बहन थे। नानी उम्र के साथ इतना काम नहीं कर पाती थी, इसलिए उनका परिवार एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाता था। अनु और सुप्रिया अपना गुजारा करने के लिए मोची का काम करते थे। वो दोनों गांव में एक पेड़ के नीचे बने हुए टीन शेड के नीचे अपना बक्सा ब्रश लेकर बैठ जाया करते थे। सुप्रिया और अनु पूरे दिन मेहनत करते थे ताकि उनके परिवार का गुजारा चल सके और वो तीनों अच्छे से अच्छा खाना खा सके। लेकिन दिन के अंत में उन दोनों के पास बहुत ही कम रुपए जमा होते थे। एक दिन जब वो दोनों पुराने जूते की मरम्मत कर रहे थे तो एक औरत अपनी चप्पल ठीक कराने उनके पास आई। प्यारे बच्चों, मैं अपनी चप्पल ठीक करवाने तुम दोनों के पास आई हूँ, क्या तुम मेरी ये चप्पल ठीक कर सकते हो? सुप्रिया ने उस औरत की कीमती चप्पल देखी और उसे अंदाजा हो गया कि ये औरत बहुत ही अमीर है। मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम के लिए कहीं जाना है। सुप्रिया ये सुनकर दुखी हो गई, क्योंकि उसे उस औरत की कीमती चप्पल देकर लगा था कि ये औरत उनके काम के बदले बहुत अच्छे रुपए देकर जाएगी। अनूप भी अपनी बहन सुप्रिया की तरह दुखी हो गया था, क्योंकि आज पूरे दिन एक भी सिक्का नहीं कमाया था। लेकिन फिर भी अनूप उस औरत की मदद के लिए राजी हो गया। जरूर मैडम, मैं आपकी मदद करूंगा, कृपया करके आप स्टूल पर बैठ जाइए और अपनी चप्पल दीजिए। वो औरत स्टूल पर बैठ गई और सुप्रिया और अनूप ने उसकी कीमती चप्पल जल्दी से सिल दी। ये लीजिए मैडम, आपकी चप्पल है। धन्यवाद इस अच्छे काम के लिए, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छा इनाम दूंगी। ऐसा कहकर वो औरत परी के रूप में आ जाती है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एक जादुई डंडा दोनों भाई बहनों को दे देती है और कहती है, ये एक जादुई डंडा है, इसे तुम तुम्हारे सर के ऊपर बने हुए टीन शेड के ऊपर मारोगे तो ये साधारण सा टीन शेड एक जादुई टीन शेड में बदल जाएगा और इसमें से सोने के सिक्कों की बारिश होगी। दोनों भाई बहन आश्चर्य से डंडे को और टीन शेड को देखने लग जाते हैं। परी कहती है, लो सुप्रिया, ये डंडा इस टीन शेड पर मार के देखो और मंत्र बोलो, दे दना दन दन। सुप्रिया डंडा लेकर टीन शेड पर मारती है, तभी उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्कों की बारिश हो जाती है। दोनों भाई बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतने में परी अदृश्य हो जाती है। दोनों भाई बहन सोने के सिक्के उठाकर अपने बक्से में डालकर घर पर जाते हैं और नानी को बोलते हैं, नानी ये देखो हम क्या लाए हैं। क्या लाए हो बेटा? सुप्रिया अनूप सारी बात अपनी नानी को बताते हैं और खुशी से बोलते हैं, कल सुनार के पास जाकर ये सारे सिक्के बेच देंगे, फिर एक बड़ा सा आलीशान घर लेंगे, उसमें खाने पीने की सारी चीजें रखेंगे जो हम अपनी गरीबी की वजह से कभी नहीं खा पाए। हाँ, लेकिन तुम दोनों ये बात किसी को भी मत बताना। नहीं नानी, किसी को भी नहीं बताएंगे। अगले दिन अनूप सिक्के लेकर सुनार के पास जाता है, जिसके बदले सुनार खूब सारे रुपए देता है। उस रुपए से वो अपने लिए नया आलीशान बंगला खरीदते हैं, बड़ी सी कार ले लेते हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीजें मांगते हैं। एक दिन सौतेली माँ को अनूप और सुप्रिया की आलीशान जिंदगी के बारे में पता चल जाता है। सौतेली माँ अनूप और सुप्रिया की नानी से मिलने उसके घर जाती है और कहती है, प्रणाम माँ जी, आप कैसी हैं? बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, इसलिए आपसे आपकी तबीयत पूछने आई हूँ। सुप्रिया और अनूप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं वो दोनों? नानी मन ही मन में सोचती है, इस दुष्ट सौतेली माँ को इतने साल तो मेरे प्यारे बच्चे अनूप और सुप्रिया की याद नहीं आई, आज ये यहाँ कैसे आ गई? जरूर कोई मतलब से ही इस घर में आई है। चली जाओ तुम यहाँ से,
मुझे सब पता है तुम अनूप और सुप्रिया को कितना मारती थी। इस बात को सुनते ही सौतेली माँ आग बबूला हो जाती है और अपना पर्स खोलकर उसमें से एक चाकू निकालती है और चाकू नानी के गले पर रखकर बोलती है, बहुत बकड़ बकड़ कर ली तूने बुढ़िया, चुपचाप सीधे से बता कि तुम इतने अमीर कैसे हुए, ये आलीशान बंगला गाड़ी और तुम्हारे ढाट बाट का राज क्या है, चल मुँह खोल अपना बुढ़िया नहीं तो ये चाकू तेरे अंदर घुसा दूंगी। मुझे पहले से ही तुम पर शक था कि तुम अपने मतलब से इस घर में आई हो, तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो लेकिन मैं तुम्हें हमारी अमीरी का राज नहीं बताऊंगी। सौतेली माँ मन ही मन में सोचती है, अगर मैंने इस बुढ़िया को मार दिया तो भी मुझे राज पता नहीं चलेगा, इससे अच्छा है इसको उठाकर अपने घर ले जाती हूँ। सौतेली माँ जाते जाते टेबल पर एक चिट्ठी रखकर चली जाती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, अगर तुम्हें अपनी नानी चाहिए तो मेरे घर आकर अपनी नानी को बचा लो। अनूप और सुप्रिया अपने घर आते हैं और नानी को ढूंढते हैं। नानी कहीं भी नहीं मिलती, तभी उनकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर जाती है। चिट्ठी पढ़ते ही वो दोनों नानी को बचाने के लिए दौड़कर सौतेली माँ के घर पहुँच जाते हैं। सुप्रिया अपनी सौतेली माँ को कहती है, माँ हमारी नानी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी नानी को छोड़ दूंगी लेकिन तुम्हें मुझे अपने अमीर होने का राज बताना पड़ेगा। सुप्रिया और अनूप अपनी सौतेली माँ को जादुई डंडे और जादुई टीन शेड के बारे में सब बता देते हैं। चलो मुझे वो जादुई डंडा दो। जादुई डंडा तो घर पर रखा है। ऐसा कहकर वो सब अनूप और सुप्रिया के घर पहुँच जाते हैं। सौतेली माँ वो जादुई डंडा लेकर कहती है, ये लो अपनी बूढ़ी नानी को रखो और तुम दोनों मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि वो जादुई टीन शेड कहाँ है। सौतेली माँ डंडे को उठाकर जादुई टीन शेड पर मारने लग जाती है और जोर जोर से मंत्र बोलने लग जाती है, दे दना दंदन दे दना दंदन। देखते ही देखते खूब सारे सोने के सिक्कों की बारिश हो जाती है। ये सब देखकर सौतेली माँ बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी सोने के सिक्के बोरी में भरने लग जाती है। अब इन सोने के सिक्कों से मैं भी तुम लोगों से बड़ा महल जैसा घर बनाऊंगी। ऐसा कहकर सौतेली माँ जादुई डंडा और सिक्कों से भरा थैला लेकर जाने लग जाती है। अनूप को लालची सौतेली माँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलता है, आपको जितना धन चाहिए था वो हमने दे दिया, अब आप हमारा जादुई डंडा हमें वापस दे दीजिए। ये जादुई डंडा मैं अपने पास ही रखूंगी, तुम अपनी माँ पर हुक्म जमाओगे, अभी तुम दोनों की खबर लेती हूँ। ऐसा कहकर सौतेली माँ डंडा उठाकर सुप्रिया और अनु को मारने के लिए बढ़ती है। इतने में ही उनके सामने परी प्रकट हो जाती है और कहती है, ए जादुई डंडे दुष्ट औरत की पिटाई कर, अब खा डंडा दना दंदन, खा डंडा दना दंदन। इतना कहते ही जादुई डंडा सौतेली माँ की तरफ घूम जाता है और सौतेली माँ की पिटाई करने लग जाता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, मेरी तो कमर ही टूट गई, मुझे माफ कर दो परी जी, मुझे माफ कर दो, मैं इन दोनों बच्चों को कभी नहीं सताऊंगी। परी डंडे को रोकने का आदेश दे देती है और जो सोने के सिक्के सौतेली माँ ने बोरे में भरे थे वो बोरा भी वो जादू से गायब कर देती है। लालची औरत चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी और पिटाई करूँगी। सौतेली माँ डर के वहाँ से भाग जाती है। ये लो बच्चो, ये जादुई डंडा तुम दोनों के लिए ही है, इसे जिंदगी भर अपने पास रखना और तुम्हें जब जिस चीज की जरूरत हो वो तुम इस डंडे से और टीन शेड से मांग लिया करना। बच्चे खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी नानी के गले लग जाते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, उनके घर में ढेर सारा सोना चांदी के सिक्के, बढ़िया बढ़िया कपड़े और बढ़िया बढ़िया खाना हर समय मौजूद रहता था। नानी ने अपने पसंद का एक मंदिर भी गांव में बनवा दिया था और वहां पर जो गरीब आते थे उनको वे लोग रोज खाना खिला दिया करते थे। वो सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे।